Hello guys, a very welcome back to my channel. And today's topic is gonna be very crucial. जो बच्चे इस time पढ़ रहे हैं, because we know कि crucial time चल रहा है. 20th of October already हो चुकी है और अगले महीने इसी time तक already हमारे forms fill up हो चुके हैं. And we'll be studying मतलब बहुत ज़्यादा effectively and we should be studying effectively. But बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या किया जाए कि जिससे पढ़ाई की आदत बन जाए, या पढ़ाई में सीरियसनेस नहीं आ पा रही है, या पिछली बार तो मैं बहुत सीरियस था बट इस बार मैं सीरियस नहीं हो पा रहा हूँ. तो आई अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ ये जो चीज़ें आती हैं लाइफ में, और बट वी हैव टू टैकल दिस. और अल्टीमेटली हमें कुछ ना कुछ ऐसे चारे ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे ज़रिया ढूंढना पड़ेगा जिससे हम स्टडी की हैबिट को बना सके, और वो भी अनब्रेकेबल बना सके, बिकॉज अगले 2-3 महीनों के लिए हमें लगातार पढ़ना है. और अगर हम नहीं पढ़ पाते हो तो दैट विल बी वेरी, इस टाइम पे ना पढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पहले स्टडी की हैबिट ब्रेक होना. स्टडी की हैबिट एक कॉन्टिन्यूस हैबिट नहीं होती है. ऐसा भी हो सकता है कि आप 6 महीने से लगातार पढ़ रहे हो और अगर आपकी हैबिट टूट जाती है तो उसके बाद आप हैबिट को दोबारा ना ला पाओ. तो अगर जिसकी हैबिट थोड़ी बहुत भी मेंटेन है, सबसे पहले उन बच्चों के लिए बोलूँगी जो आप 2-3 घंटा भी, अगर 4 घंटा भी दिन में पढ़ रहे हो, तो ये मत सोचो कि तुम लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स जो कि 1 घंटे की सिटिंग भी नहीं दे पा रहे होंगे. तो एटलीस्ट उस हैबिट को मेंटेन करो और बिल्डअप करो. कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं तो 2-3 घंटे 4 घंटे हम इजीली पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें लगता है क्योंकि हम कुछ नहीं पढ़ पा रहे तो 2 दिन का ब्रेक ले लेते हैं. उससे क्या होगा, पहले अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे थे तो अब आप 4 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो. तो प्लीज़ ब्रेक ना लेते हुए उसे बढ़ाने की कोशिश करो. और अगर बढ़ा नहीं पा रहे हो, जब तक आप में बढ़ाने की क्षमता नहीं है 1 या 2 या 3 दिन, एटलीस्ट उन 4 घंटों को मेंटेन करने की कोशिश करो. सेकेंडली, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पा रहे, हो क्या रहा है, दिन कहाँ जा रहा है, रात कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो उन लोगों के लिए आई हैव अ प्लान. सबसे पहली बात कि अपने दिन को देखो कि आप दिन में एक्चुअली में क्या कर रहे हो. अगर स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो कुछ और कर रहे होगे, तो एक जगह बैठ जाओ, अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाओ, डायरी पेन ले लो और एनालाइज़ करो कि क्या चीज़ें हैं जो तुम लगातार करी जा रहे हो. फिर आपको एनालाइज़ होगा कि आप अपना मेजर पोर्शन ऑफ टाइम कहाँ दे रहे हो. हम फ़ोन चलाते हैं, हमें लगता है कि हम नॉर्मली फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बट अपने फ़ोन की यूजेज में जाके देखो कि आप कौन कौन सी ऐप किस कितना टाइम यूज़ कर रहे हो और आपका टोटल फ़ोन का यूजेज 1 घंटे का कितना है. और बहुत बड़ी बात नहीं है कि कुछ लोगों के लिए जो घर पे बैठे हैं, लोगों के लिए 6 से 7 घंटा इजीली फ़ोन का यूजेज हो सकता है. 6 से 7 घंटे आप एक दिन में फ़ोन को दे रहे हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका मेजर टाइम कहाँ जा रहा है. इसके अलावा अगर आपका कहीं और मेजर टाइम जा रहा है जो चीज़ आपके लिए यूज़लेस है, बिकॉज अगर आप एस्पायरेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके अलावा आपके लिए बाकी चीज़ें कम इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप उन चीज़ों को पलट के या उन चीज़ों पे कम टाइम दीजिए और अपना टाइम जो है मेजर वो स्टडी पे ले आइए. अब हम पता लग गया कि हमारा मेजर टाइम कहाँ जा रहा है, मेजर टाइम हम कहाँ वेस्ट करें, अब हमें पढ़ाई की हैबिट बनानी है, अब हमें वो टाइम देना है पढ़ाई को. तो व्हाट टू डू इज़ कि अपना जो दिन में आपका सबसे सूटेबल टाइम होता है ना, जब आपको सबसे ज़्यादा मन करता है पढ़ने का, अब आप बोलेंगे कभी नहीं करता, बट हाँ एक टाइम होता है जब लगता है कि हाँ बहुत शांति है, पढ़ना चाहिए, कभी कभी मन हमारा खुद बोल जाता है कि यार पढ़ ले, तो वो टाइम आपके लिए जो है 2 या 3 या 4 घंटे, मान लीजिए मैंने बोला कि 2 घंटे, तो वो 2 घंटे निकालिए, 2 या 3 या 4, वो आप पे डिपेंड कर सकता है. तो मैं यहाँ 2 घंटे का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, तो हमने 2 घंटे निकाल लिए. माना मेरे लिए वो 2 घंटे सुबह 6 से 8 बजे के बीच में, तो मैं उठ गई 5 बजे, मैंने 2 घंटे निकाल लिए. वो घंटे आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से होने चाहिए. अब आप ऐसे सोच लेंगे कि हाँ 6 से 8 पढ़ूंगा और पता चलता है कि आप उठते ही 9 बजे, तो वो चीज़ नहीं चलेगी. सबसे पहले आप अपने कम्फर्ट जोन वाले आवर्स निकालिए. मान लीजिए मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, मुझे 6 से 8 पढ़ना अच्छा लगता है, मेरा मन करता है, तो आई वोक अप एट 5 AM. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 6 बजे से 8 बजे तक मैं अपना फ़ोन दूसरे रूम में रख दूँगी, स्विच ऑफ कर दूँगी, या सबसे अच्छा आइडिया है कि अपनी मम्मा को फ़ोन दे दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी मॉम को फ़ोन दे देंगे ना, देर इज़ नो वे शी इज़ गेटिंग दैट बैक टू यू जब तक आप पढ़ नहीं लेते. और ये भी बताना है कि हाँ मैं पढ़ने जा रही हूँ या पढ़ने जा रहा हूँ, तब तक मेरा फ़ोन आप रखिए और मेरे को आवाज़ नहीं आनी चाहिए जो भी रिंग टोन है या जो भी, मतलब जिससे मैं अट्रैक्ट हूँ. अब चले जाइए किसी दूसरे रूम में या किसी ऐसे कोने में जहाँ आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए,
और वहाँ पे सिर्फ आप और आपकी बुक्स होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी अगर आपके आसपास है तो मतलब दूर कर दीजिए जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। जैसे आपके पास यहाँ पे बॉल पड़ी है तो आप देख रहे हो कहीं बॉल से ही खेलने लग गए, तो सिर्फ अपनी एक बुक जो आपको 2 घंटे में पढ़ना है और खुद को लेके वहाँ चली जाइए। उसके बाद हमने क्या करना है, 6 बजने से 10-5 मिनट पहले ही हमें वहाँ जाके बैठ जाना है। पानी वगैरह जो भी चाहिए आपको पानी लेके जाइए, और कुछ खाने की जैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो आपका खाने में ही डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। उसके बाद हम बैठ गए पढ़ने, और हमें ये सोच के पढ़ना है कि हम इन 2 घंटे में पूरी शिद्दत से पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, जितना डेप्थ में पढ़ सकते हैं उतना डेप्थ में पढ़ेंगे। और इफ़ पॉसिबल तो आप ये भी चीज़ें सेट कर सकते हैं कि मुझे 2 घंटे में कितना पढ़ना। मैं ये नहीं कह रही कि ज़्यादा टारगेट सेट कीजिए, हम अपनी अभी अपनी हैबिट बना रहे हैं, बट ये भी नहीं है कि हाँ आप थोड़ा सा टारगेट सेट कीजिए कि 2 घंटे में 10 पेज पढ़ूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको लगता है कि हाँ मैं इतना पढ़ सकता हूँ और इतना अच्छे से पढ़ सकता हूँ, उतना टारगेट सेट कीजिए और पढ़ने बैठ जाइए। जब भी आपका मन लगता है कि हाँ कुछ और सोच रहा हूँ, या माइंड में कुछ और आया, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, यार ये वाला गाना सुन लेता कितना सही था, तो आप 1 मिनट के लिए रुकिए, लंबी सांस लीजिए, 10 बार लंबी सांस लीजिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए, और उस थॉट को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद क्या होगा ना कि वो थॉट अल्टीमेटली आपके दिमाग से बाहर जा चुका होगा। उसके बाद फिर से पढ़ना शुरू कीजिए, फिर आपको लगता है कि हाँ 10-15 मिनट हो गए हैं और फिर से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ये इनहेल एक्सहेल की एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके फोकस को, कॉन्सेंट्रेशन को दोबारा लाने में, अगर वो खो गया है तो इनहेल एक्सहेल की एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो क्लैरिटी आ जाती है कि मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं पढ़ रहा था और थॉट आया था और मुझे उसने डिस्टर्ब किया था, उसे भगा दीजिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए और 2 घंटा पढ़ लिए। ऐसे अगर आप 2 घंटा पढ़ लिए तो सेकेंड डे थर्ड डे उसी को कंटिन्यू कीजिए, उस चेन को ब्रेक मत कीजिए। एंड इफ़ पॉसिबल अपने और ऐसे स्लॉट्स निकालिए, जैसे कि मैंने शाम को भी एक स्लॉट निकाल लिया 4 से 6 का जब मैं पढ़ूंगी, तो 4 से 6 भी मैं यही चीज़ प्रैक्टिस करूंगी, सुबह 6 से 8 भी यही चीज़ प्रैक्टिस करूंगी। हो सकता है मैंने 1 हफ्ते बाद तीसरा स्लॉट निकाल लिया 12 से 1 का, तो ऐसे हमारे 3 स्लॉट्स हो गए, और ये वो स्लॉट्स हैं जिनमें हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और हमें पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है और हम बस वही चीज़ें करेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप 10-15 दिन करोगे, 15 दिन में इजीली हैबिट बन जाएगी। और जिन लोगों को ज़्यादा पढ़ना है, अब 2 तरह के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं कि हाँ मैं धीरे धीरे करके हैबिट बनाऊंगा, पहले मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर 3 घंटे पढ़ूंगा, फिर 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। और दूसरी तरह के लोग होते हैं कि मैं फर्स्ट डे से ही 8 घंटे की हैबिट बनाऊंगा, ताकि मुझे वो 2 से 4 और 4 से 6 करने में मेहनत ना लगे, तो शुरू में ही मैं 8 कर लूँगा। तो वो आपकी मर्जी है, और इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन यू आर। अगर आपको लगता है कि अगर आप 8 घंटे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, तो फर्स्ट डे 4 घंटे पढ़ने की हैबिट बना लीजिए, 4 घंटे सुबह पढ़ लीजिए, 4 शाम को पढ़ लीजिए, और सेकंड डे भी उसे मेंटेन कीजिए, थर्ड डे भी उसे मेंटेन कीजिए। देखने में मतलब सुनने में बहुत आसान लगता है कि मेंटेन हो जाएगा, बट मेंटेन नहीं हो पाएगा। पर हाँ, अगर आपके अंदर वो डिज़ायर है कि नहीं पढ़ना शुरू करना है और कर ही देंगे, तो अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो दिस इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ मेकिंग अ स्टडी हैबिट। क्योंकि अगर आपकी 1 दिन में 8 घंटे की स्टडी हैबिट बन गई तो ठीक है, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। जो 2-2 घंटे करके कर रहे हैं वो चीज़ें सुनने में थोड़ा सा बचकाना सी लगती हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आपके माइंड में इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता और एकदम से आपका मन भी ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। अब आप 0 घंटा पढ़ रहे हो और 0 घंटे से 8 घंटे पे आओगे, तो ऑब्वियसली उतनी इफेक्टिव स्टडी हो नहीं पाती। बट हाँ, डिज़ायर हर एक चीज़ की, मतलब डिज़ायर हर एक चीज़ का जवाब है। तो अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि हाँ पढ़ना शुरू करना है, तो 8 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो आज का सबसे बड़ा जो है, आज की सबसे बड़ी डिमांड यही है कि हमें AFO के लिए पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो जिन लोगों को भी पढ़ना शुरू करना है, आज से शुरू कीजिए, कल से शुरू कीजिए, और जल्दी से टाइम टेबल बनाइए, अपनी हैबिट बनाइए। 21 डेज़ के अंदर आपकी हैबिट पक्की हो जाएगी, और मेक श्योर कि आप उसे मेंटेन करें, तोड़े नहीं, बिकॉज इस टाइम अगर हम हैबिट को तोड़ेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। एंड माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू। और सर्दियाँ आ गई हैं, टाइम AFO का अप्रोच कर रहा है, सर्दियाँ आ गई मतलब AFO का टाइम आ गया है, तो फिर खुश हो जाइए, बिकॉज जल्दी ही 1.5-2 महीने बाद पेपर हो जाएगा, उसके बाद मेंस हो जाएगा, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। तो तब तक, जब तक हम फ्री नहीं होते, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। एंड आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।